एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको ब्यूटीफुल कुर्ती डिज़ाइन बनाना सिखाने वाली हूँ कटवर लेस के साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर वीडियो सच में पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो गाइस, हमने देखी जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते वैसे ही कर लिए। जितना भी आप गला पहनते हैं उसमें 1 इंच माइनस करते हुए, 7 इंच का गला है तो हम 6 इंच पर निशान लगा रहे हैं। जितना भी आपकी गले की लेंथ है उसमें से 1 इंच कम करके अपनी लेस को बी सेंटर में इस तरीके से रखेंगे। जो लेस की मैंने ये लेंथ ली है वो 10 इंच की है। इस तरीके से रखेंगे और आगे से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी कटवर लेस को इसके 1/2 इंच की दूरी पर रखेंगे और इस तरह से इसका एक बॉक्सा बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, और इसको भी यहीं तक रखेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया। और यहाँ से हम लेस को बाद में कट करेंगे लगाने के बाद, और अटैच कर लेंगे। लेस को हमने अटैच कर लिया है, हम गोल गला यहाँ पर बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गला बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगाकर गले को अटैच करेंगे। उसके बाद जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है गले का, उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल कर इसमें ना हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होता है, जब हम नेक को पलटते हैं, फोल्ड करते हैं ना, तो उसमें फिनिशिंग आ जाती है, बिल्कुल भी क्रीज नहीं आती। लेकिन जब आप ये कट लगा रहे हैं तो आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इसको हमने कटिंग कर लिया। अंदर की तरफ इसको टर्न करेंगे रॉन्ग साइड में इस तरीके से, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे हम नॉर्मल गला करते हैं सेम वैसे ही हमें इसको करना है, और रफ सिलाई लगा लेने। उसके बाद बैक गले के हमने जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हम यहाँ पर गले पर और एक पट्टी लगाकर अटैच कर लेंगे। हमारा देखिए बैक गला भी बन गया है। अभी हम दोनों पर्दों को आपस में जॉइन करते हुए शोल्डर को इसको अटैच करेंगे गाइस। तो जो हमने अपने बैक गले में और एक पट्टी लगाई थी उसको छोड़ते हुए शोल्डर को रखेंगे। उस पट्टी को इसके ऊपर टर्न करके तब पलट लेंगे, देखिए इस तरीके से ऐसे, और शोल्डर को हम यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। साथ ही साथ में हम अपनी यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे गाइस। इस तरीके से देखिएगा, फिटिंग जो हमारी फिटिंग लगी हुई है यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो गाइज, इसकी कुर्ती की कटिंग का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है। अभी हम नीचे से जैसे नॉर्मल अपना नीचे से दामन फोल्ड करते हैं वैसे ही हम दामन को भी फोल्ड करेंगे, और साइड के जो चाक होते हैं इनको भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मल करते हैं कुर्ती के। उसके बाद चाक पे हम यहाँ साइड से अपनी लेस को अटैच करेंगे। ये अभी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, मशीन पे मैं आपको इसको अटैच करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। अभी हम जो एक्स्ट्रा इसको कट करेंगे थोड़ा सा, ये अंदर की तरफ हमारी इस तरह से टर्न हो जाएगी ना फोल्ड करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है। उसके बाद देखिए दूसरी साइड से भी हम लेस को इसी तरीके से रखेंगे इस तरीके से, और इसको भी हम सिलाई लगा कर गाइस अटैच कर लेंगे। तो चलिए मशीन पर लगा के दिखा देते हैं। जो हमारी देखिए हिप होती है जहाँ से हमारी चाक हैं, यहीं पे एक निशान लगाएंगे और अपनी जो हमारी लेस लगाएंगे उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। लेस को ना हमें थोड़ा सा चौक, जो हमारा चाक है ना साइड का, उससे थोड़ा सा हमें ऊपर से लगाना है। जैसे हमने जहाँ से चाक के बराबर निशान लगाया 1/2 इंच ऊपर से आप इसको रख सकते हैं, या बराबर भी रख सकते हैं। मैंने 1/2 इंच ऊपर से रखा है। अभी जो हमारी लेस है वो कटवर में है, अगर हम सीधी इसको ऐसे ही सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा ब्लैक फैब्रिक है ना उस पर हमारा वाइट जो धागा है थ्रेड वो दिखेगा। तो जैसे हमारा ये देखिए कटवर में है ना, वैसे ही हम अपनी जो मशीन के पैर होते हैं ना, जो फुट होते हैं, उनको इस तरह से घुमाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। तो इससे जो हमारी सिलाई है वो भी नहीं दिखेगी और हमारी लेस भी अच्छे से अटैच हो जाएगी। ना तो आपको लेस को खींचना है ना फैब्रिक को खींचना है, क्लियर। उसके बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट करके इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरीके से, फोल्ड कर लेंगे, और ये दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको अटैच करेंगे गाइस, देखिएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड से भी अपनी लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम अच्छे से लॉक करेंगे और धागे को कट कर लेंगे। देखिए जिस तरीके से हमने इधर की साइड पे अपनी लेस को अटैच किया है चाक पे, वैसे ही सेम दूसरी साइड में भी हम अपनी लेस को ऐसे ही अटैच कर लेंगे गाइस। अभी हमने देखिए स्लिप भी इस तरह से लगा ली है, दोनों हमने लेस को इस तरह से लगाया है, और यहाँ से जैसे नॉर्मल स्लिप की साइडें बंद करते हैं वैसे ही साइडें बंद करके हम स्लिप भी रेडी कर लेते हैं गाइस।
तो अभी हमारे देखिए कुर्ती जो है वो जो साइड में हमने लेस लगाई वो भी अटैच हो गई, और हमारी जो स्लिप है उस पर भी हमने देखिए लेस को अटैच कर लिया। जैसे हम नॉर्मल अपनी स्लिप अटैच करते हैं ना, वैसे ही अपनी स्लिप को हम अटैच कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुर्ती आपको सिलना नहीं बताया है, मैंने सिर्फ लेस से आप कुर्ती पर किस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं वो आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा फुल डिटेल में आपको इसको बता दिया। हमारी जो स्लिप है वो भी अटैच हो चुकी है गाइस, देखिएगा काफ़ी सारी वीडियो मैंने बताई है कि हम कुर्ती को डिटेल में कैसे सिलें, कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देखिए देख सकते हैं। तो जैसे मैंने देखिए हमारी कुर्ती एकदम फिनिशिंग के साथ और एकदम परफेक्टली बन के रेडी हो गई है, लेस से एकदम ब्यूटीफुल कुर्ती लग रही है कि नहीं लग रही है। तो जैसे मैंने अपनी कुर्ती पर ये डिज़ाइन बनाया वैसे ही मैंने इसके बॉटम पर भी देखिए ये डिज़ाइन बनाया है गाइस। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।